हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव। मेरा नाम है कासिफ अंसारी और मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। भाई आप तो जानते हैं कि एसएससी सीपीओ का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब सबसे ज्यादा बच्चों को इस बात का उतावलापन है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी। कट ऑफ को लेकर काफी बच्चे चिंतित हैं, उन्हें लगता नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस बात को लेकर लोग कट ऑफ को लेकर काफी चिंतित हैं, तो मैंने कहा चलिए आज एसएससी सीपीओ के कट ऑफ के लिए मैं एक वीडियो आपके लिए बना देता हूं। तो सबसे पहले सब लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जितने लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी स्टूडियोज एंग्रेव आपके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है आपको इस बार एग्जाम में सफलता दिलाने के लिए, और हमने आपके लिए सीपीओ का बहुत सारा क्रैश कोर्स चलाया था जिसमें हमने आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई थी और ये सारे लोग उसमें लगे हुए थे। जैसा कि आप जानते हैं ये हमारी टीम है। चलिए तो सबसे पहले सेशन शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आज आपको यह बताने वाला हूं कि आज का जो सेशन था बच्चों, आज का सेशन क्या है, इट्स ऑल अबाउट कि कट ऑफ कितनी जाएगी, समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए एसएससी सीपीओ एसआई एंड एएसआई 2019-20 पेपर हो चुका है, तो टीयर वन का पेपर हो चुका है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और प्रीवियस ईयर कट ऑफ, तो देखेंगे कि क्या दोनों में कोई खास फर्क नजर आता है या नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बता दूं, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम कासिफ अंसारी है और मैं आपको मालूम होना चाहिए कि 10 सालों से पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मैंने 200,000 से ज्यादा बच्चों को पढ़ाया और मैंने खुद भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर किए हैं। ठीक है, मेरे बारे में तो आप लोग बहुत सारी बातें जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है बेटा कि एसएससी सीपीओ एंड एसआई और एएसआई का पेपर अभी ऑनलाइन हुआ था। कब हुआ था? 9 से 13 दिसंबर 2019 के बीच हुआ था। ठीक है बच्चों, और आपको मालूम है कि सीपीओ जो पेपर होता है ये पुराने पैटर्न पे ही आज भी होता है, मतलब सीजीएल और सीएचएसएल को आप देखें तो उसमें अब 100 क्वेश्चन आते हैं, 25 इंग्लिश के, 25 मैथ्स के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के। हालांकि मार्क्स 200 होते हैं लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं अब 100 आते हैं और एक घंटे का समय मिलता है। लेकिन सीपीओ का एग्जाम पुराने पैटर्न पे होता है, 2 घंटे का समय होता है, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 50 ईच, मतलब मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस सब में 50-50 क्वेश्चन होते हैं और 9 से 13 दिसंबर के बीच ये हुआ था। तो आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ था। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 50, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 और इंग्लिश के 50, तो टोटल 200 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स थे और आपको 2 घंटे का समय दिया गया था जिसमें सीजीएल और सीपीओ, सीजीएल और सीएचएसएल में अब 1 घंटे का समय दिया जाता है। क्वेश्चन कशन जो होते हैं वो अब 200 नहीं, अब 100 होते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो मेरे हिसाब से मैंने जो कट ऑफ देखी, मैंने जो अगर जो मैंने पेपर को एनालाइज किया तो मैंने ये देखा बच्चों कि सीपीओ का पेपर मोर और लेस कुछ ना कुछ सीजीएल के कंपैरिजन में ही था। भाई ये मैंने साफ देख लिया कि जो पेपर का लेवल था वो सीजीएल से कोई खास उसमें ज्यादा फर्क था नहीं, ऑलमोस्ट एक ही जैसा पेपर था जो कि 2018 का सीजीएल का पेपर हुआ और सीपीओ में कोई खास फर्क नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है जब पेपर में फर्क नहीं है तो जाहिर सी बात है बेटा कट ऑफ में भी बहुत ज्यादा फर्क आने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है। सो आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ एसएससी सीपीओ एसआई एनएसआई 2019 ऑनलाइन एग्जाम 200 मार्क्स में से। सो पहली बात यह है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के बिलोंग करते हैं, देखो बेटा अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं और मेल कैंडिडेट हैं तो 138 से 143 के बीच उम्मीद कर सकते हैं आप। जैसा कि आपने देखा था सीजीएल में भी 137 गई थी कट ऑफ, तो यहां पर भी मेरे हिसाब से थोड़ा सा 2-4 नंबर ज्यादा ही हो सकती है, कम तो नहीं होगी। तो मेल की 138 से 143 अगर आप अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और फीमेल की 135 से 140 2-3 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है बच्चों, अगर ओबीसी की बात करते हैं बैकवर्ड क्लासेस की तो यहां भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 132 से 137 के आसपास, जबकि यहां पर 130 से 135 के आसपास। ठीक है बच्चों, तो आप ये भी देख सकते हैं। एससी कैटेगरी में बेटा आपका जो है 112 से 117
और महिलाओं के लिए 110 से 115, जबकि अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो 105 से 110 नंबर के आसपास होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि एसएससी सीपीओ 2018 से जो कट ऑफ होगी वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होनी नहीं है बच्चों। आपने देखा होगा सीजीएल की कट ऑफ भी इस बार कितनी गई है, सीजीएल की कट ऑफ 137.5 गई है, तो सीपीओ की भी मैं यही कह सकता हूं कि ये करीब करीब चार पांच नंबर ऊपर हो सकती है। कारण इसके पीछे यह है ऊपर होने का, क्योंकि यहां पर समय थोड़ा ज्यादा मिल जाता है लोगों को। लेकिन आप कहेंगे कि सर क्वेश्चन भी तो 200 होते हैं, वो भी बात सही है, लेकिन बेटा याद रखना दिमाग में एक इंसान के साइकोलॉजिकल वो होता है कि भाई उसे 2 घंटे हैं उसके पास और 1 घंटा है उसके पास, 1 घंटे में 4 पेपर्स, 4 सेक्शन को सॉल्व करना और 2 घंटे में 4 सेक्शन को सॉल्व करना, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल असर जरूर होता है इसका। तो मुझे उम्मीद है कि ये 138 से 143 के आसपास होगी, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं है। अगर आप देख लें तो 2018 में देख लीजिए क्या हुआ था। अब 2018 में भी अगर आप देखेंगे तो कोई बहुत फर्क नहीं था। 2018 में अनरिजर्व्ड 137 पे गया था, तो मैंने इस बार भी आपका 138 से 143, तो ये आसपास ही होगा बेटा। मुझे उम्मीद है कि इस बार ये 139 140 के आसपास गिरेगा। जबकि ओबीसी का आपने देखिए, मैंने बताया है कि ओबीसी की कट ऑफ जो है 132 से 137, पिछली बार ये 127 गई थी। तो ओबीसी में बेटा आप देखो, भारत में लगातार कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन कम तो हो नहीं रहा है इस देश में। सो और याद रखिएगा, बच्चे लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने वाले बच्चों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो कट ऑफ जो है, हालांकि मैं ये भी मानता हूं कभी भी कट ऑफ 200 में 200 नहीं होगी, 150 भी बहुत मुश्किल से पहुंचेगी। लेकिन सच्चाई बताऊं कि जो ये 137, 138, 140, 145, 142 ये आसपास घूमेगी अभी 2-3 साल तक, मतलब 2-3 साल तक ये कट ऑफ 150 के आसपास घूमेगी, क्योंकि वो एक आइडियल स्कोर है जहां पर आप पहुंच सकते हैं प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली आप 150, 160 के बीच नंबर ला सकते हैं, सच बता रहा हूं मैं। एसटी की कट ऑफ देखिए, पिछली बार इतनी थी और इसमें जो है एससी की इतनी थी। ये बेटा फीमेल्स की मैं बता रहा हूं, 2018-19 में आप देख सकते हैं। और फीमेल्स का इस बार भी आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क आपको नजर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं वहां पर मैंने आपको दिखा रखा है। सो आप देख सकते हैं कुछ कुछ उसी तरह से कट ऑफ आएगी, ठीक है बच्चों। और आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो है कि 2018-19 में टोटल 232,514 कैंडिडेट अपियर हुए थे और फाइनली जो है इसमें से 2,170 लोग अवेलेबल हुए, जो कि महिलाओं में थे, ठीक है बच्चों। अब मेल्स की कट ऑफ देख लीजिए, तो मेल्स में आप देखिए पिछली बार 140 थी बेटा, ठीक है, पिछली बार 140 थी। अब आप देख सकते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो है बेटा यहां पर 140 थी, ठीक है। और मेल्स में जो है ओबीसी जो है 133, एसटी 111 और एससी 114, ठीक है बच्चों। सो टोटल कैंडिडेट्स जो थे यहां पर वो कितने थे, 17,416। इसके अलावा जो एक होता है कैटेगरी जिसे एक्स सर्विसमैन कहते हैं, एक्स सर्विसमैन में 59.64 और इनकी कट ऑफ काफी कम होती है, सिर्फ 59.64 नंबर और टोटल कैंडिडेट 1864 थे, ठीक है बच्चों। तो आप देख सकते हैं, क्लियर है बच्चों। तो ये जो है पिछले साल का था 2018-19 का, ठीक है। दिल्ली पुलिस की बात अगर आप करते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, सीपीओ 2018-19 मेल डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स। ये बेटा डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स जो कि दिल्ली पुलिस के प्रमोशंस के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस के बहुत सारे जो जवान हैं वो अपने प्रमोशंस के लिए, डिपार्टमेंटल प्रमोशंस के लिए भी सीपीओ का पेपर देते आए हैं, ठीक है बेटा। अब आप देख लीजिए एसएससी सीपीओ 2018-19 मेल स्पेशलाइज्ड कैटेगरी फॉर एक्स सर्विसमैन। अब देखिए एक्स सर्विसमैन का थोड़ा फायदा ज्यादा होता है बेटा। एक्स सर्विसमैन कौन होते हैं बेटा, जो कि हमारी सेना वगैरह से रिटायर हो चुके हैं, और उनमें आप देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड में भी सिर्फ 70, ओबीसी में 60, एसटी में 50 और एससी में 50 नंबर लाने हैं। सो टोटल 108 ही थे, ठीक है बेटा, यहां पर कैंडिडेट्स अवेलेबल। सो एक्स सर्विसमैन को तो बेटा काफी फायदा है यहां पर, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको काफी फायदा होने वाला है। तो भाई ये थी आज की कट ऑफ। आपके लिए हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा, टेलीग्राम पे हमने एक ग्रुप बना रखा है एसएससी एंग्रेव के नाम से। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें और यहां पर हमारे साथ जुड़ जाएं, ताकि आने वाले सभी एग्जाम्स और सभी तरह के नोटिफिकेशंस का अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है बच्चों।
आप अगर चाहें तो अनअकैडमी प्लस पर मेरे बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे बैचेस अभी कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस शुरू हुए हैं एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। आप चाहें तो बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड जरूर इस्तेमाल करिएगा, QA लाइव, बोले तो कासिफ अंसारी लाइव। आप एक महीने का, तीन महीने का, छह महीने का, बारह महीने का, चौबीस महीने का सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हैं। देखो बेटा, अगर एसएससी सीजीएल 2019 दे रहे हो तो तीन महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेना, अगर 2020 दे रहे हो तो फिर 12 महीने का, और 2021 देना है तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो लोग अभी अभी ग्रेजुएशन में जो हैं आए हैं और वो आराम से एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। क्यू ए लाइव इस्तेमाल करोगे जैसे ही कोड, तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जैसे कि 12 महीने की फीस 6,000 रुपये होती है, आप मेरा कोड इस्तेमाल करेंगे तो 6,000 - 600 आपको जो है 5,400 रुपये में ये पूरा बैच मिल जाएगा। एक साल का सब्सक्रिप्शन जिसमें अनलिमिटेड एक्सेस है, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह आप दो साल का भी ले सकते हैं, जैसा चाहें। हर सब्सक्रिप्शन पे पांच तरह के सब्सक्रिप्शन हमारे पास हैं, एक महीने, तीन महीने, छह महीने, बारह महीने और चौबीस महीने, ठीक है बच्चों। ये नारा याद रखिएगा, लेट्स क्रैक इट। हमें एग्जाम निकालना नहीं है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, जड़ से उखाड़ देना है, ठीक है बच्चों। तो सभी का क्लास आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू। हैव अ नाइस डे, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ्स, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।